सो व्हाट्स अप पीपल, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइज आज तक अपनी माइनक्राफ्ट की मज़ेदार वीडियो के अंदर वापस से। तो गाइज आज की वीडियो में जैसे कि अपन अपनी ये नॉर्मल टॉर्च रहती है, अगर ये नॉर्मल टॉर्च को मैं हटा दूंगा तो यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा, ऑब्वियसली ये बात है ये तो बट अगर मेरे पास है ये नॉर्मल टॉर्च है और ये है अपने पास एक टॉर्च, ठीक है। ये टॉर्च है अपने को बनाना है स्मार्ट टॉर्च में, ठीक है। अगर स्मार्ट टॉर्च को मैं लेफ्ट हैंड में रखूँगा तो उससे अपने को मिलेगा बहुत सारी रोशनी। देखो तो मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा अपने वहाँ वहाँ अपने को ऑटोमेटिक रोशनी मिलती रहेगी, तो जिससे मेरे को बार बार मतलब टॉर्च लगाने की झंझट से छुटकारा मिल सकता है। तो जैसे कि एक हाथ में मेरी पिकेक्स है और एक हाथ में मेरी टॉर्च है, तो मेरे को बार बार टॉर्च नहीं लगानी पड़ेगी और ऐसे मैं मस्त करके माइनिंग कर सकता हूँ बिना किसी परेशानी के। तो आप भी अपने जो लेफ्ट हैंड में अपने मतलब पॉकेट एडिशन के अंदर लेफ्ट हैंड में आप टॉर्च पकड़ सकते हो और अपन को बार बार टॉर्च लगानी भी नहीं पड़ेगी। जैसे कि अगर मैंने यहाँ से टॉर्च हटा दी तो यहाँ पे अंधेरा हो गया, बट वापस से अगर मैंने टॉर्च लगा दी स्मार्ट टॉर्च तो ऑटोमेटिक यहाँ पे रोशनी आ गई है और मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा वहाँ पे ऑटोमेटिक मतलब ये जो रोशनी है टॉर्च की वो आती रहेगी। तो हेलो क्रीपर, क्या हालचाल? ओ भाई साहब, इसने तो फालतू में फ्री पॉकेट में डैमेज दे दिया। तो गाइस जैसे अपन अपने जो केव के अंदर है मस्त करके टॉर्च लगा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अहम बात, अगर जैसे कि अपन को स्ट्रीट माइनिंग करनी है तो ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है। मतलब अगर लेफ्ट हैंड में अपन टॉर्च रखते तो अपन को बार बार अपनी टॉर्च को अपने मतलब लगानी नहीं पड़ेगी, अपने को अपन मस्त एक बार बस अपने लेफ्ट हैंड में रखो और माइनिंग करते जाओ, तो अपने को ये बार बार पीछे लगानी नहीं पड़ेगी। तो इससे अपने को डायमंड भी जल्दी से मिलेगी और अपनी माइनिंग भी जल्दी से होगी। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते और मैं बताता हूँ कि कैसे करना है। सो गाइज आ चुके अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वो लिंक पे जाके आप ये मीडिया फायर के इधर आ जाओगे। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, तो मैं यहाँ डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद इसको इस तरह से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद अपने को अपना प्ले स्टोर ओपन करना है और प्ले स्टोर पे अपने को सर्च करना है जेड आर्चीवर। तो ये जो जेड आर्चीवर है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने डाउनलोड करके रखा है, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड हो गया तो उसके बाद अपने को ओपन करना है और फिर उसके बाद यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा, तो ये डाउनलोड के ऑप्शन पे अपने को जाना है। फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे अपन और यहाँ पे एक फाइल रहेगी स्मार्ट टॉर्च ऐड, ठीक है। तो ये जो स्मार्ट टॉर्च ऐड है इसको अपने को क्लिक करके रखना है, ठीक है। इसको अपने को क्लिक करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे आएगा रीनेम, तो ये रीनेम पे अपने को जाना है। उसके बाद यहाँ पे डॉट जीप लिखा रहेगा, इसको अपने को क्लियर करके राइट ओके कर देना है, ठीक है। ये हो जाएगा, उसके बाद अपने को बैक आ जाना, मतलब बस एक बार बैक आना है। उसके बाद फिर अपने को वापस से डाउनलोड के ऑप्शन के अंदर जाके थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और जो अपनी फाइल रहेगी जो स्मार्ट टॉर्च की, उसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, मतलब ये फाइल अपने लिए रेडी हो चुकी है। तो उसको अपने को मतलब पहले इसको अपने को क्लिक करके रखना है, उसके बाद कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, फिर अपने को व्यू पे चले जाना। तो इससे अपना माइनक्राफ्ट गेम ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो अपना जो माइनक्राफ्ट गेम है उसको अपन ओपन होने देते पहले। सो गाइज उसके बाद अपने जो माइनक्राफ्ट है उसके अंदर दो मैसेज शो होंगे, तो जिससे मतलब अपना जो स्मार्ट टॉर्च का एडन था वो ऐड हो चुका अपने माइनक्राफ्ट के अंदर। तो ये अपना एडन पहले ऐड होने देना है, उसके बाद ये पूरा मतलब सक्सेसफुली हो चुका है। फिर यहाँ पे अपना माइनक्राफ्ट को अपन को प्ले करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ऐसा नया वर्ल्ड बना लेता हूँ, आप अपने पुराने वर्ल्ड के अंदर भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वर्ल्ड का नाम रख देता हूँ, अपन टॉर्च के लिए कर रहे तो इसलिए मैं वर्ल्ड का नाम रख देता हूँ टॉर्च, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद में जो गेम मोड है उसको अपन क्रिएटिव में कर लेते हैं, आप सर्वाइवल में ही रहने देना उसको अगर आपको सर्वाइवल में रखना है। तो फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके इसको एक्सपेरिमेंट के अंदर जो ऊपर के तीन है इनको अपने को ऑन कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे अपने को रिसोर्सेज पैक के अंदर जाना है, फिर माई पैक्स के अंदर जाके स्मार्ट टॉर्च एडन को एक्टिवेट कर देना है और बिहेवियर पैक के अंदर भी अपने को यही करना है, अपने को माई पैक्स के अंदर जाना है फिर स्मार्ट टॉर्च का एडन को ऐड कर देना है। ये पूरी प्रोसेस अपनी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, बस अब अपने को अपना वर्ल्ड क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे अपना जो वर्ल्ड है उसको क्रिएट कर लेता हूँ, तो अपने जो वर्ल्ड है उसको क्रिएट होने देते उसके बाद बताता हूँ कि क्या करना है। सो गाइज यहाँ पे अपने को डेजर्ट बायो मिली, अपना जो वर्ल्ड है वो क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं तो क्रिएटिव में, तो यहाँ से अपन एक क्राफ्टिंग टेबल ले लेते हैं पहले, तो एक क्राफ्टिंग टेबल अपन एक ले लेते हैं और अपन कोल ले लेते हैं और स्टिक ले लेते हैं, ठीक है। ये अपन कोल ले लिया और यहाँ पे एक अपन स्टिक ले लेते हैं। तो ये अपने पास जो वो जो मतलब टॉर्च है उसकी बनाने की रेसिपी आ चुकी है। तो अपने को एक अपने क्राफ्टिंग टेबल ओपन कर लेते हैं, उसके बाद कोल लगा के एक अपन स्टिक लगा देते हैं जिससे अपने को मिलेगी टॉर्च, बट ये रहेगी नॉर्मल टॉर्च, अपन को इसको बनाना है स्मार्ट टॉर्च। तो इसको चेक करने के लिए अपन यहाँ पे एक नाइट कर लेते हैं पहले अपने, मतलब ताकि अपन आराम से इसको चेक कर सकते हैं।
तो यहाँ पे नाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हो चुका है नाइट, और उसके बाद देखो अब मैं अगर जैसे कि ये नॉर्मल टॉर्च को अपने हाथ में रखता हूँ तो रोशनी नहीं होती है, बट अगर इसको अपन स्मार्ट टॉर्च बना देते हैं तो यहाँ पे अपने को इसको स्मार्ट टॉर्च कैसे बनाना है, तो अपनी जो टॉर्च है उसको अपने को बस यहाँ पे रखना है, फिर कुछ इस तरह से यहाँ पे स्मार्ट टॉर्च बन जाएगी। तो अपने जितनी टॉर्च है उतनी अपने को स्मार्ट टॉर्च मिल जाएगी। तो गाइस देखो यहाँ पे अपने को नॉर्मल से नहीं मिल रही थी रोशनी, बट अगर अपने स्मार्ट टॉर्च अपने ने लगा ली है तो ये नॉर्मल टॉर्च है और ये है अपने स्मार्ट टॉर्च, तो इससे अपने को रोशनी मिल रही है हर जगह पे। अपन जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ पे ऑटोमेटिक रोशनी आती जाएगी, और ये स्मार्ट टॉर्च को अपन अपने मतलब जो शील्ड का ऑप्शन है वहाँ पे लगा सकते हैं। बस उसके बाद अपने को बस माइनिंग और अपने को जो करना है वो अपन कर सकते हैं इसके अंदर। तो अपने को एक अपने हाथ में पिकेक्स ले लेते हैं, तो देखो यहाँ पे अपन पिकेक्स ले लेते हैं और एक हाथ में, बट यहाँ तो सैंड है तो मेरे को सोवर लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे सोवर ले लेता हूँ और एक हाथ में टॉर्च है अपनी। बट इसको जैसे कि अपन बस ऐसे खोदते जाएंगे और अपने को वहाँ वहाँ रोशनी मिलती जाएगी, तो ये अपने को माइनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा काम में आएगी। तो मैं तो क्रिएटिव मैं तो भूल ही गया था, चलो अपन को कोई ना, मैं तो क्रिएटिव में आप सर्वाइवल में इसका यूज़ अच्छे तरीके से करना। तो यहाँ पे देखो मस्त तरीके से अपन बस लेफ्ट हैंड में अपने टॉर्च पकड़ लो, उसके बाद और छोटू क्या हालचाल, छोटू तो भाग। सो गाइज अगर जैसे कि आप ये टॉर्च को जैसे कि अपने हाथ में लेके इसको टेप करके रखोगे तो यहाँ पे टॉर्च कुछ बो की तरह काम में आएगा, तो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो इसका। सो गाइज वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, नए है चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगली माइनक्राफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये क्रीपर कहाँ से आ गया भाई।